चैनल गाइस, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। सो भाई हम लोग आ चुके हैं वापसी एक और फुल इंटीरियर आप लोग लेके। तो भाई कौन है पहले ये बता दो भाई, कौन हो आप जरा बताओ लोगों को। सूरज नाम है भैया, आप लोग प्यार से चमत्कार कहते हो। तो भाई चमत्कार भाई जो है वो वापसी आ चुके हैं, थोड़े से पतले हो गए हैं, और भाई आप लोगों की ग्रेट विशेस गुड विशेस के साथ में भाई जो है बहुत स्पीड में रिकवरी कर रहे हैं। और इसी के साथ में भाई गाड़ी कौन सी रहने वाली है आज? स्कॉर्पियो भैया, स्कॉर्पियो है, पुराना मॉडल ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि भाई बड़ी गाड़ियों का दिखाना। सो जहां पर आप लोगों को स्कॉर्पियो दिखा रहे हैं वहां पर फॉर्च्यूनर की भी एक वीडियो तैयार होगी। हाँ, एक अर्टिगा और एक फॉर्च्यूनर। तो एक अर्टिगा और एक फॉर्च्यूनर का हमने प्लान कर रखा है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए बिल्कुल एक जब पूरा ओवरव्यू आ जाएगा मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। इसी के साथ में भाई स्कॉर्पियो का जब इंटीरियर होता है, जो जो भाई इंटीरियर करवा रहे हो एक चीज बता देता हूँ, जो गाड़ी गुलाई वाली होती है उसमें ध्यान से काम कराना, गुलाई में फिनिशिंग नहीं आती है भैया। सबसे पहले ओवरऑल तो मैं आ चुका हूँ, सबसे पहले आपको, आप जब गाड़ी मेरे पास लाओगे ना तो मैं पहले ही आपको रिकमेंडेड कर दूंगा कि किस जगह पर आप कपड़ा लगवाओ और किस जगह ना लगवाओ। बस जहाँ नहीं होगा जबरदस्ती मुलीम मत करवाओ, प्लीज रिक्वेस्ट। भैया भाई ने आपको बोल दिया, तो करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। वीडियो बहुत स्वीट एंड सिंपल रखेंगे, समझाने वाली चीज दिखा दूंगा, और सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सा कपड़ा हम लोग यूज कर रहे हैं। साफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। यहाँ पर हम लोग शॉप के अंदर है, आप लोगों को इस बारी फैक्ट्री में नहीं ले जाके दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई के भी टांग में जो है थोड़ा सा रिकवरी का प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई यहीं पर आप लोगों ने कपड़ा मंगाया हुआ है, अगेन मंगोलियन कपड़ा है। भाई देखो बहुत सारी चीजें आ चुकी है मार्केट में, क्या क्या कपड़ा है वो मैं आप लोगों को ऑप्शन विद बुकलेट दिखा दूंगा, जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा। सो आज जो कपड़ा है वो है मंगोलियन टैन कलर है। भाई क्या रीजन है टैन कलर का बंदे का जो करवा रहे हैं उनका? कलर चॉइस है उनकी टैन, और प्लस टैन में एक लग्जरी लुक भी है जो कि आप कराते हो। बेसिकली जिस गाड़ी का इंटीरियर थोड़ा क्रीमी शेड होता है ना, उसमें टैन नाम के बहुत, बाकी आपको मैंने टैन और बेज कलर का, क्रीम कलर का मिक्सअप ऑलरेडी दिखा भी रखा है। तो भाई तो बहुत जबरदस्त है, बिल्कुल जबरदस्त है, और इसका रिस्पांस भी काफी अच्छा मार्केट में है। और इसी के साथ में भाई ये चीजें आप लोगों ने देख ली है, मैं कुछ ये दिखाया था, जब भी आप लोग यहाँ पर आ रहे हो आप लोग जो चेकआउट कर सकते हो, आपको मंगोलियन न्यूबक और ये जो वैनिश है इनकी जो बुकलेट है वो एक बार चेकआउट करा देता हूँ। लोगों ने बुकलेट निकाल के या फिर कह सकते हैं जो आप लोगों को एक मैनुअल जो पूरा एक आइडिया देता है। तो यहाँ पर मंगोलियन लेदर का आप लोगों को चॉइसेस देखने को मिल जाएगी विद नंबर्स होते हैं इसमें, ठीक है, जैसे चेकआउट कर लो। यहाँ पर ये प्लेन वेन जो है सब सारे आपको लोगों को ऑप्शन इसमें मिल जाते हैं। और गाइस थोड़ा सा है ना एक चीज बताऊंगा, जो परफोरेशन का यूज है ना मत करो, इसमें मिट्टी फंसने का और फटने का डर यहीं से है। तो जो लाइफ टाइम वाली जो चीज है ना इसमें वो मुश्किल है, अगर प्लेन लगाते हो मेरे रिकमेंडेड से तो ज्यादा बेस्ट है। चलो भाई ये एक आ गया, इसके बाद मैक्स लेदर के बारे में बताओ। ये थोड़ा हटके है और बहुत कम लगाया हमने, पहले लगाते थे। ये क्या है भाई, इसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप लोग मेरी शॉप पे आते हैं, अगर मैं एक नापा के सीट कवर का 4,000 रुपए प्राइस बताता हूँ, एग्जांपल दे रहे हो, ये पहले बता दो लोगों को, एक छोटी गाड़ी का रेट बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर। हाँ बट आप जाते हो नहीं भैया, मुझे 3,000 का 3,500 का मिल रहा है, तो वो उन बंदों के लिए ये है, ये मैक्स होता है और वो बोल देते हैं। और ये हल्का फुल्का स्मेली होता है? नहीं स्मेली तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक टाइम आने के बाद, साल 12 महीने 14 महीने 16 महीने के बाद ये हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये चीज आप लोगों को पता चल चुका है। नेक्स्ट जो है न्यूबक लेदर है, अगेन प्रीमियम गाड़ी है, बहुत सारी गाड़ियों के अंदर ये लगाया गया है। और फॉर्च्यूनर का इंटीरियर जो हम करेंगे वो इसमें करेंगे, जो कि हम ये रेड कलर यूज कर रहे हैं, लाल पूरा लाल, पिलर भी चटक पटक लाल ही लाल, चटक और पटक और लाल ही लाल भाई, तो खुद सोच लो भाई। और लास्ट एंड सबसे जो अभी तक का ट्रेंडिंग है जो कि अच्छा रहता है, इसकी बुकलेट आती थी लेकिन भाई ने इसको आउट कर दिया, क्योंकि बुकलेट में थोड़े से आ रहे हैं उसके अंदर का है ना 19-20 होता है, तो फिर प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इनको बुकलेट में रखता हूँ अलग से काट के, जो कि कपड़ा भी अवेलेबल है मेरे पास। तो भाई देखो वैनिश अपनी गाड़ी में लगा हुआ, एक नंबर का रिस्पॉन्स है। एक चीज जो इसके बारे में फीडबैक देता हूँ, जब काम करा के गाड़ी को लेके जाओगे इसमें हल्के फुल्के रिंकल रहते हैं, क्योंकि बैठने के बाद ठीक होते हैं, पहले नहीं होते, ये चीज बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी यार प्लस जो इसका जो ये डिजाइन देख रहे हैं आप, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा ये चीज, बिल्कुल ये रिंकल इसको नहीं बोलते, ये वैनिश डिजाइन, कपड़े का नाम वैनिश है तो ये वैनिश इसका डिजाइन है, ठीक है। अच्छा ये भी है क्या? ये मेरे को नहीं पता था भाई। ये ग्रेन्स दिखेंगे वहाँ पर तभी तो डिजाइन बनता है कपड़े का, जैसे इस कपड़े के अंदर ये बिल्कुल सेल्फ डिजाइन है, बिल्कुल देख रहे हो इस चीज को, और इस चीज के अंदर ये ग्रेनी डिजाइन है। तो भाई एक आइडिया आप लोगों को मिल गया, बाकी एक बार आपको गाड़ी दिखा देता हूँ कि कोर गाड़ी आप लोगों को कैसी देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर चेकआउट कर लो, अभी फिलहाल के लिए स्टेयरिंग का काम चला हुआ है, सब चीजें डैशबोर्ड खोल दी गई है,
साइड के पिलर जो है वो उतारे जा रहे हैं, ऊपर की रूफ भी चेंज की जाएगी, एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा, और इसी के साथ में पीछे की तरफ मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, तो पीछे भी चेकआउट कर लो, सीट कवर सब कुछ, ये भी बहुत आपको बुरी हालत में दिख रहे होंगे, सब कुछ ओके रिपोर्ट हो जाएगा। और लास्ट वाली सीट जो इन्होंने ये भी बैठने वाली बनाई हुई है, क्योंकि काफी यूनिक है, और बाकी भाई मजा बहुत आएगा। फिलहाल के लिए कूल गाड़ी ऐसी दिखती है, देखते हैं काम होने के बाद इसका लुक कैसा आता है। आप लोगों ने स्कॉर्पियो डे मोड में देखी है, तो एक दिन पहले जो थी अर्टिगा आ रखी थी भैया की, और हमारे भाई बहुत लॉयल सब्सक्राइबर और हमारे एक फैमिली मेंबर ही है, तो सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर धीरू भाई है, और भाई ने जो है अर्टिगा खरीदी थी, और भाई ने कहा कि भाई हमें बढ़िया सीट कवर लगाने हैं। सबसे पहले कौन सा कपड़ा लगाया ये बता दो। न्यूबक लगाया हुआ है, और क्या रिस्पॉन्स आया मैं दिखाने से पहले पूछो। बहुत बढ़िया है, कपड़ा देखने के बाद और लगने के बाद बहुत फर्क है। तो भाई आप लोगों को भी ये फर्क दिखा देते हैं, सो देख लो भाई ब्रांड न्यू है, भैया ने कुछ भी इंटीरियर में कुछ भी छेड़खानी नहीं कराई है। सो देयर यू गो, सो दिस इज हाउ इट लुक्स। देखो आप लोग ऑलरेडी स्कॉर्पियो वाली वीडियो देख रहे थे, लेकिन उसके बीच में मेरे को ये आप लोगों को इसलिए दिखाना पड़ा क्योंकि इसका लुक काफी हटके है। एक बार देख लो इधर भी, बिल्कुल प्रीमियम लुक आता है। और भैया एक चीज बताओ, मतलब जैसी आपकी एक्सपेक्टेशन थी उसमें सब कुछ खरा उतरे कि नहीं उतरे? बिल्कुल 101% 101% है। तो भाई इसी के साथ में अंदर की तरफ में चलते हैं भाई, और एक बार ही चेकआउट कर लो यहाँ पर। और डिजाइन जो है भैया ने सेम जिप्सी वाला रखा है जो कि अपनी स्विफ्ट में भी था, और देख लो भाई खुद ही देखो इस चीज को, ठीक है भाई। आर्मरेस्ट भी बिल्कुल परफेक्ट, बढ़िया लग रहा है बिल्कुल देखने में। पीछे की तरफ में जाता हूँ, लास्ट सीट भी देख लो भाई एक बारी, ठीक है। बिल्कुल प्रीमियम वाला लुक है भाई गाड़ी का, मतलब एक लुक जो है वो जबरदस्त आता है। तो अंकल पीछे कुछ दिखा रहे हो क्या आप भी? और सबर करने का फल मीठा मिला कि नहीं मिला? चार के छह भी लगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बढ़िया है मतलब। तो भाई इधर से भी एक ओवरव्यू देख लो, और जबरदस्त है भाई, मतलब जो एक्सपेक्टेशन थी उसमें खरे उतरे। और कुछ कहना है भाई ऑडियंस को, आप भी बोल दो कुछ बढ़िया। ऑडियंस को इतना कहना चाहूंगा कि सीधा यहाँ पे आओ कृष्णा कार सिंगार में, और जैसा आपको सही लगे वैसा लगाओ, बार्गेनिंग बिल्कुल मत करो, क्योंकि मार्केट में बहुत ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी बेस्ट है तो बेस्ट ही है। तो भाई ये बहुत बढ़िया चीज थी, और एक बार ऊपर देख लो भाई, ठीक है। थोड़ा काम वाम चल रहा है यहाँ पर, नहीं तो सब कुछ परफेक्ट बिल्कुल आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये नेक्स्ट डे है, और नेक्स्ट डे में मैं आप लोगों को क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि कल काम हो रहा था इसमें, आज भी इसमें सीट कवर वाला काम नहीं हुआ, लेकिन स्टिल इंटीरियर वाला जो एक ओवरव्यू है वो मैं आप लोगों को दिखाया था। तो फुल टैन कलर जो है इसमें चूज किया गया था, गत्ते में सबसे मेन जगह यही होती है जहां पर कपड़ा चढ़ाया जा सकता है। जहां तक बात करोगे आप डैशबोर्ड के बारे में, तो एक बार डैशबोर्ड की भाई सफाई और काम का देख लो। अगेन जब भी एयरबैग वाली गाड़ी में कोई भी इंटीरियर का काम कराते हो तो चेक कर लेना कि कोई भी तरीके की लाइट जो है वो अंदर शो ना हो, जो कि सिस्टम एरर या कोई एरर हो वो शो नहीं होना चाहिए। बाकी एक बार चेकआउट कर लो भाई, फिनिशिंग वाइज अच्छा काम कर रखा है, बुरा नहीं है। बाकी और अभी फाइन होगा और अच्छा देखने में लगेगा, ठीक है। ओवरव्यू एक बार देख लो, दूसरी तरफ से भी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो ये आप लोगों को देखने का, इसी के साथ में साइड का गत्ता आप लोगों ने देख लिया है। रूफ जो है सेम जैसी अपनी जो थी उससे हटकर एक वेलवेट वाला लुक ना देके, ये थोड़ा सा डिफरेंट वाला है, जो वेलवेट वाला होता है उसमें निशान ऐसे आप फेरोगे तो दिख जाएगा, तो ये थोड़ा सा उससे ज्यादा फिनिशिंग वाइज में ज्यादा लगता है, ठीक है। बाकी ये जो आप देख रहे हो इनमें कुछ नहीं कर सकते, ये आपके ऐसे ही रहेंगे। अगर इससे छेड़खानी करी तो हम लोगों को, जो अपने साइड में अगर कभी पोर्ट होल से गुजरते हो तो भाई ये भी आपको कलर करवाने पड़ेंगे। अगेन चॉइस के ऊपर, अगर इसको ब्लैक करा लेते हो तो इसको भी ब्लैक कराने का आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। बाकी पिलर्स चेकआउट कर लो एक बारी, ठीक है, फिनिशिंग वाइज इट्स गुड। और बाकी पीछे एक बारी ले आके दिखाता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर देख लो भाई अभी पिलर्स कुछ खुले हुए हैं जो कि अभी लगाए जाएंगे। बाकी फिनिशिंग जो है भाई अच्छी कर रखी है, सीट कवर्स भी ऑलरेडी यहीं पर रखे हुए हैं, तो जब पूरी गाड़ी अब रेडी होगी तब एक ओवरव्यू जरूर दूंगा, लेकिन फिलहाल के मैं आपको दिखाना चाहता था भाई इंटीरियर होने के बाद कैसा आपको देखने को मिलता है। और पीछे भी चेकआउट कर लो भाई एक बारी, फिनिशिंग काफ़ी अच्छी कर रखी है, और इसीलिए इस गाड़ी को मतलब पूरा दो दिन आप लगा लो रोकने का रीज़न ये था कि काम में जो है हमें फिनिशिंग देखनी थी, और कहीं ना कहीं वो निकल के आ चुकी है। तो पीछे से भी आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिखाया था, तो ये आप लोग देखोगे अगर तो भाई ये जो है सेम रहेंगे, इनमें छेड़खानी मत कराना, गाड़ी का पूरा लुक खत्म हो जाएगा। तो ये हाईली रिकमेंड है भाई, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देना, और इसका लुक जो है वो काफ़ी इनहेंस होकर लगता है। ज़रूर बताना रूफ और इसका मिक्सर कैसा लगा, अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है, टैन कलर कराना चाहो टैन करा सकते हो, और कलर्स के भी आप लोगों को ऑप्शन मिल जाते हैं। और अगर आप बात करते हो स्टेयरिंग के बारे में तो स्टेयरिंग की फिनिशिंग देख लो भाई एक बारी, ठीक है, बिल्कुल फाइन है, और जितना बढ़िया तरीके का इसमें एक ओवर ही हो सकता है वो मैंने आपको दे दिया। डैशबोर्ड में अगेन जहाँ पर कर्विंग है, जिस डैशबोर्डों में ज़्यादा कर्विंग है वो लोग इंटीरियर ना करवाए,
उसमें फिनिशिंग नहीं आती है। तो देख लो ये बिल्कुल परफेक्ट फिनिशिंग आई है, क्योंकि यहाँ पर गुलाई कम है, जहाँ पर गुलाई ज़्यादा हो वो मत करवाना भाई, उसमें कुछ ना कुछ इशू आता है और बंदा जो है वो फिर और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो भाई ये जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ये हो गया आप लोगों के लिए एक ओवरव्यू। अब इसके बाद जो ओवरव्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जब गाड़ी के पूरे सीट कवर चढ़ जाते हैं और अच्छे से काम हो जाता है, तब आप लोगों को आइडिया देने वाला हूँ। तो गाइस आप लोगों की बीच वाली रो जो है वो तैयार हो चुकी है, आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस चीज़ को पूरा यहाँ से इसको कवर दिया गया, चेन भी लगाई गई है। पीछे की तरफ में चेकआउट कर लो एक बारी, ठीक है। बिल्कुल प्रीमियम और परफेक्ट वाला लुक जो है वो सीट को दिया हुआ है। आगे की दोनों सीट पर भी काम नहीं किया गया, बाकी एक बार पीछे की तरफ से लेके जा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ से देखो पीछे से आप लोग एक बार चेकआउट कर लो। यहाँ पर पूरा ओरिजिनल वाला जो आप लोगों का कपड़ा है, जिसको आप लोग बोलते हो कि हाँ भाई फिनिशिंग होनी चाहिए ब्लैक कलर में, सेम ओरिजिनल वाली ही चीज़ इसमें लगाई गई है। एक बार आप लोग चेकआउट कर लो। तो गाइस फाइनली बारी आ चुकी है आप लोगों को गाड़ी की सीट कवर भी दिखाने की। तो भाई सब चीज़ डन हो चुकी है, भाई ने हेडरेस निकाल रखे हैं। भाई कह रहा था परेशानी होती है भाई, तो हेडरेस नहीं चाहिए, नीचे डलवाए हुए 70 मैट्स। अगेन आपकी चॉइस के ऊपर है, जैसे मैट चाहो वैसे मैट डलवा सकते हो। क्वालिटी वाइज प्रीमियमनेस ने होया ना भाई, मतलब कहते हैं ना कि एक चीज़ समझ आती है, तो भाई वो मेरे को समझ आ चुकी है सीट को देखने के। उससे आप लोगों को एक बार चेक कर लो, जो आपके आर्मरेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट बने हुए हैं, फिनिशिंग जो है वो बहुत क्लीन है भाई। अगेन इंटीरियर जो है भाई फिनिशिंग आ चुकी है, सारे गत्ते लग चुके हैं, देख लो भाई एक बार चेकआउट कर लो एक एक चीज, ठीक है। और स्टीयरिंग भी ओके रिपोर्ट सिला हुआ है, साइड का आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। पीछे की सीट देखते हो तो भाई यहाँ पर भी प्रीमियमनेस है आपकी, ठीक है भाई। और काम जो है वो बहुत जबरदस्त है, ऊपर का रूफ चेकआउट कर लो, बहुत क्लीन है। भाई ने पीछे जो है अपनी बेस्टूप रखवाई है, भाई कह रहा पीछे कोई बैठता ही नहीं है, बेस्टूप रखवा दो। तो भाई देखो इस गाड़ी को दिखाने का जो मेन मेरा जरिया है, जो समझाने का तरीका है भाई, काम होता है आराम से अगर टाइम दे दो तो। टाइम दिया हुआ काम है और एक नंबर का भाई, मतलब लुक जो है गाड़ी का वो बहुत जबरदस्त है। इट्स टाइम कि इस वीडियो को एंड कर दिया जाए। काफी इंजॉय आप लोगों ने इस वीडियो को देखते हुए किया होगा ऐसा मैं सोचता हूँ। स्कॉर्पियो की ऐसा कुछ भी इंटीरियर वाली वीडियो मैंने अपने चैनल में नहीं डाली थी, आप लोगों ने रिक्वेस्ट की और चमत्कार भाई और मैं आपके लिए ये चीज लेके आ चुके हैं। कपड़े जो है वो चेंज दिख रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा दिन है, भाइयों ने भाई बहुत टाइम दिया तो भाई कैसा लगा भाई काम करने के बाद, मतलब होने के बाद आपका काम बहुत अच्छा हुआ है, बढ़िया काम, संतुष्टि बिल्कुल, सेक्सी काम, सच्ची बताना, झूठ नहीं बोलना, सबसे बढ़िया काम से बढ़िया व्यवहार, व्यवहार भाई, चलो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि आप कहीं पर काम करवाने आ रहे हो, अगर किसी बंदे का नेचर व्यवहार और बात करने का तरीका अच्छा ना हो तो मजा नहीं, फायदा नहीं है भैया। पैसा आज के टाइम पे सब कमाते हैं तो, बट एक रिस्पेक्ट होती है ना, वो पैसे से बहुत बड़ी ऊपर होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। व्यवहार सबसे अच्छी चीज है, व्यवहार सबसे अच्छी चीज है। तो भाई एक आइडिया और दे दो लोगों को कि अगर इंटीरियर करवाने आ रहे हैं, स्पेशली स्कॉर्पियो फॉर्चुनर सी गाड़ियों का, तो स्कॉर्पियो का एक रफ आइडिया बताओ कितने का करवा सकते हैं अगर करवाना चाहे। भाई रफ आइडिया तो जैसे कि आप इस गाड़ी में तो हमने किया 25,000 रुपए का इंटीरियर है, ठीक है। इसी यही काम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे थोड़ा सा एक पॉइंट दो पॉइंट नीचे 22 और 18, कुछ ऐसा भी है कि कुछ आ रहा है, कोई बंदा कहता है भाई हमारे उसमें 10 से 15,000 में इंटीरियर कर, बिल्कुल होता है भैया, कैसा होगा उसमें जब 10 और 15 वाली जो बात होगी ना, उसमें जैसे रूफ हट जाता है, ठीक है, बाकी सारी चीजें रहती है, बट वो क्वालिटी नीचे हो जाती है भैया। मेन है जब आप इंटीरियर कर रहे हो ना, इंटीरियर के साथ हमने सीट कवर्स का मेन ध्यान रखना है, उसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इंटीरियर जिस मर्जी कपड़े का कर दो वो लाल ही दिखेगा या टैन दिखेगा। अब वो सीट कवर लगा दू और 6 महीने में फट जाए तो ऐसा इंटीरियर करने में कोई फायदा, 10,000 भी बड़ी मुश्किल से कमाते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, एक चीज में एड ऑन करके और मैं बता देता हूँ, मुसाफिर की तरफ से आप लोगों को एक रिकमेंडेशन आता है, जो कि मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। अगर आप में से कोई भी मिलता है कहता है कि भाई हमारा जो आपका रेफरेंस लेके हम इधर गए, हमारा काम सही से नहीं हुआ, तो गाइस काम जो है वो रीडू किया जाएगा, यानी कि काम में कोई गलती है तो फिर से ठीक की जाएगी। लेकिन मुसाफिर केवल एक जरिया है, मुसाफिर यहाँ पर खुद काम नहीं करता है, तो ये मुसाफिर एक जरिया है जो कि ऑडियंस तक, आप लोगों तक ये सब चीजें पहुंचाता है। तो भाई इस बात को समझा करो, अगर कुछ भी कमेंट कर रहे हो मैसेज कर रहे हो तो इस बात को दिमाग में रखना, ये मैंने भाई को ही बोला, सारे भाइयों के सामने ही बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई एक जो है एक चीज कह सकते हैं कि मैं एक मीडियम हूँ, बाकी नॉलेज मैं दे देता हूँ, सच्ची बुरी पैसे वाली चीज तक मैं सब बता देता हूँ। बिल्कुल सही चीज बताइए, बहुत अच्छी बात, परफेक्ट, बिल्कुल सही चीज बताइए भाई, जितने पैसे लगे हमने आपको बता दिए, यहाँ पर चोरी का काम तो होना नहीं है, ठीक है, जो काम है अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, अपनी सीट कवर है भाई, सब कुछ घर की चीज है। तो भाई किसी को पैसे बताने में कोई डर नहीं है, जो कि बाहर वाले डरते हैं, तो भाई वो अपने यहाँ पर कुछ नहीं होता है। इसी के साथ में
कोई भी प्लान कर रहा है काम करवाना है कहाँ पर आना है एक बार बता दो। कृष्णा कार श्रृंगार अब्दुल अजीज रोड 16/28 होटल आनंद। अब सुन लो मैं भी अपडेट बताया था, मेरे को भी कृष्णा ने बताया। अब आपका जो गूगल में लोकेशन है वो सही आ रहा है, सही आ रही है। भाई ने बोल दी लोकेशन सही आ रही है। चलो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार हो गया ठीक है। तो उधर आ जाना। इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, लिख दो MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811 आपका भाई वहां पर आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है, क्योंकि और वीडियोस आप लोगों को पता चलेगी। बेल आइकन दबा देना नोटिफिकेशन के लिए, घंटी दबा देना, ये अभी दे देंगे घंटी आप सबको। तो इसी के साथ में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो और प्यार जो है वो ऐसे बरकरार रखना। कृष्णा का श्रृंगार मुसाफिर एक साथ है और बहुत टाइम तक एक साथ रहेंगे, एक साथ 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 ही साथ साथ ही साथ। तो भाई इसी के साथ आज की इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। तो भाई जब वीडियो एंड करते हैं तो अपना ये स्टाइल है ठीक है। तो सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय।